शेरपा बैठक। और भारत की G20 अध्यक्षता में हुई बैठकों के दौरान विदेशी प्रतिनिधि भारत की विभिन्न सांस्कृतिक विरासत और खान पान की परंपराओं से रूबरू हुए, और इसी पर आधारित पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत के नेतृत्व में G20 बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं विदेशी प्रतिनिधि भारत की विभिन्न सांस्कृतिक विरासत और खान पान की परंपराओं से रूबरू हो रहे हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग मुंबई में आयोजित हुई। बैठक का प्राथमिक एजेंडा मंत्री स्तरीय विज्ञप्ति के मसौदे पर विस्तृत चर्चा करना और इसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर सार्थक चर्चा करना था। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्रों में प्रस्तावों पर सहमति बनी। मुंबई में पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन इस साल 21 से 23 मई तक किया गया। 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य राष्ट्रों और 10 आमंत्रित देशों के 141 प्रतिनिधि और 14 अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ECSWG के लिए उल्लिखित 3 प्राथमिकताओं में भूमि अपरदन को रोकना, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना और ब्लू अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना शामिल रहा। बैठक की शुरुआत मुंबई में G20 मेगा समुद्र तट स्वच्छता कार्यक्रम के साथ हुई। G20 परिषद के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक मुंबई में आयोजित की गई। बैठक में आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्त पोषण जैसे विषयों पर मंथन किया गया। बैठक में 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं निजी क्षेत्रों के साथ एक गोलमेज बैठक में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। Our success in reducing the loss of lives from cyclones and heat waves, and all of this has been possible because of improved forecasting and warning, better dissemination, better infrastructure in coastal areas. भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में इस साल 22 से 24 मई तक G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया। G20 पर्यटन ट्रैक के तहत पर्यटन कार्य समूह 5 अंतर संबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर काम कर रहा है। ये प्राथमिकताएं हैं हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल पर्यटन, MSME और गंतव्य प्रबंधन। भारत ने 5 प्राथमिकताओं का समर्थन करने और बैठक के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सभी G20 सदस्य देशों, आमंत्रित राष्ट्रों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधियों को श्रीनगर के दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए भी ले जाया गया। India is so rich and diverse in culture. I have great respect for Indian culture.